भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया ने तीसरे सेशन में जबरदस्त वापसी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 79.1 ओवरों में 259 रनों पर ढेर कर दिया है और न्यूजीलैंड को पूरे तरीके से बैकफुट पर ढकेलने के सूत्रधार रहे वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 23 ओवर गेंदबाजी 59 रन देकर 7 विकेट चटके। बड़ी बात यह रही कि जिस अंदाज से यहां पर भारतीय टीम ने गेंदबाजी की, एक समय ऐसा लग रहा था जब न्यूजीलैंड का स्कोर 192/3 था, लगा कि शायद न्यूजीलैंड की टीम 350-400 रन बोर्ड पर लगाएगी जब रचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन टी से ठीक पहले रचिन रविंद्र और टॉम ब्लंडर की विकेट टीम इंडिया को मिली और उसके बाद भारतीय टीम को जरूरत थी जल्द से जल्द ऑल आउट करने की और वॉशिंगटन सुंदर ने टी से पहले जो अपना कहर शुरू किया था कुछ उसी अंदाज में टी के बाद भी गेंदबाजी जारी रखी और बैकफुट पर न्यूजीलैंड की टीम को ढकेल दिया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की बात की जाए तो टॉम लेथम 15 रन 22 गेंदों का सामना उन्होंने किया, अश्विन ने उनकी विकेट चटकाई, LBW आउट हुए थे, डिवॉन कॉनवे 76 रन बनाकर आउट हुए, रविचंद्रन अश्विन ने विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया, विल यंग 45 गेंदों में 18 रन बनाकर अश्विन का शिकार बने, ऋषभ पंत ने उनका शानदार कैच लपका जिसके बाद लगा कि शायद न्यूजीलैंड की टीम लंबा खेल सकती है। रचिन रविंद्र पिछले टेस्ट मैच की यादों को पूरे तरीके से आगे लेकर बढ़ रहे थे लेकिन रचिन रविंद्र ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने टी से ठीक पहले उन्हें बोल्ड मारकर भारतीय टीम को मैच में वापसी करने में मदद की। इसके बाद डैरिल मिचेल 54 गेंदों में 18 रन बनाकर टी के बाद आउट हुए, वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें LBW आउट किया, टॉम ब्लंडर 12 गेंदों में 3 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बने, ग्लेन फिलिप्स 31 गेंदों में 9 रन बनाकर नाबाद रहे लेकिन उसके बाद उनकी विकेट चटकाई यहां पर वॉशिंगटन सुंदर ने, अश्विन ने उनका बेहतरीन कैच लपका, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, मिचेल सैंटनर 51 गेंदों में 33 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर आउट हुए, आखिरी विकेट था न्यूजीलैंड का। लेकिन उसके बाद टिम साउदी 8 गेंदों में 5 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बने, एजाज पटेल 9 गेंदों में 4 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर बोल्ड आउट हुए जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 79.1 ओवरों में 3.27 रन प्रति ओवर की गति से महज 259 रन बोर्ड पर लगा पाया। भारत की कोशिश कामयाब रही, 250 के आसपास यहाँ पर न्यूजीलैंड को भारतीय टीम ने रोका है, अब काम बल्लेबाजों का है। भारतीय टीम की गेंदबाजी की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह 8 ओवर 2 मैडन 32 रन, कोई सफलता नहीं, आकाशदीप 6 ओवर 41 रन, कोई सफलता नहीं, रविचंद्रन अश्विन 24 ओवर 2 मैडन 64 रन 3 विकेटे, वॉशिंगटन सुंदर स्टार ऑफ द मोमेंट 23.1 ओवर 4 मैडन 59 रन 7 विकेटे, रविंद्र जडेजा 18 ओवर 53 रन, कोई सफलता नहीं। अब ये देखना होगा कि भारत बल्लेबाजी किस तरीके से करती है। बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम को एक समय लग रहा था कि वो 350 से 400 इस तरीके की स्लो टर्नर पिच पर लगा सकती है बोर्ड पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया और टी के बाद लगातार अंतराल पर न्यूजीलैंड के विकेट्स यहां पर गिरते रहे। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर का सेंसेशनल स्पेल देखकर हर कोई हैरान रह गया। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।